नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में शहीद 4 जवानों को अंतिम संस्कार समारोह में दी गई अंतिम सलामी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर व्यक्त की संवेदना। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा ने भी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को संवेदना व्यक्त की। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery. केवल 100 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में शहीद 4 जवानों को अंतिम संस्कार समारोह में दी गई अंतिम सलामी। जम्मू कश्मीर के डोडा में रात के समय आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 जवानों की शहादत हो गई। शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा के परिवार ने अपने बेटे पर गर्व जताया। शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर कल बागडोगरा हवाई अड्डे पहुँचेगा, जहाँ से उनके निवास स्थान लेबोंग में ले जाया जाएगा। उनके पिता सेनानिवृत्त कर्नल भुवनेश थापा और उनकी मां नीलिमा थापा ने भी अपने शौर्य की सराहना की। से शायद निकाला गया वहां से और इवैक्यूएट करके वो जम्मू में लाया है, और जम्मू से अभी वहां हमारा जो एयरफोर्स के जो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है वो लेके इधर आज शाम तक ये बागडोगरा में आएंगे, और उसके बाद यहां से हम दार्जिलिंग मेरे जो पेरेंटल हाउस है, एंसेस्ट्रल हाउस है, वहाँ पर उधर ही, क्योंकि वहाँ गांव वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो उधर ही हम ले जाके और उधर ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपका पूरा नाम है? मैं कर्नल भुवनेश कुमार थापा, रिटायर्ड। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद देश भर में शोक का माहौल है। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह जानकर दुख हुआ कि दार्जिलिंग के एक युवा सैन्य अधिकारी ब्रिजेश थापा ने जम्मू कश्मीर में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने शहीद हुए अन्य 4 जवानों और उनके परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकवादी मुठभेड़ से हमारे जवान शहीद हो गए। उन्होंने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त की। कहा, लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा ने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दार्जिलिंग के लेबोंग निवासी कैप्टन ब्रिजेश थापा शहीद हो गए। ब्रिजेश ने 27 साल की उम्र में वीरगति प्राप्त की। सोमवार रात जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 घंटे दूर एक पहाड़ी जंगल में ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त की। मैं अपने क्षेत्र की जनता और देश की जनता की ओर से शहीद मेजर ब्रिजेश थापा जी और उनके साथ वीरगति को प्राप्त अन्य सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमन है दार्जिलिंग की मातृशक्ति को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। दार्जिलिंग क्षेत्र की हमेशा से विशेषता रही है। आजादी से अब तक हमारे क्षेत्र ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, भारतीय गोरखाओं के मान सपूतों में आज उनका नाम शुमार हो गया। मैं उनके पिता, जो स्वयं एक सैनिक रहे हैं, कर्नल भुवनेश थापा जी और उनके परिवार को नमन करता हूँ, जिन्होंने माँ भारती को ऐसे वीर सपूत दिए। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इस आतंकी हमले को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर खड़ी खोटी सुनाई। ओवैसी ने कहा,
कैसे आतंकी डोडा में घुसाए। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कहते थे घर में घुसकर मारेंगे, फिर यह क्या है। ओवैसी ने आगे कहा, 2021 के बाद से जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, यह सरकार की विफलता है। नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तश्वीशनाक और डेंजरस बात है ये। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी के मटेली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में प्रेमी और उसके 6 दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, जो बाद में वायरल हो गई। मामले की शिकायत नाबालिग के परिवार ने मटेली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों को आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Char, 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 char. Jata hai ra uta nahi chachar. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार। नागालैंड स्टेट DR500 सुपर मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, मात्र 4 डिजिट मा, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 27 जुलाई, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित, हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, चार धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हॉल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका गैलेरिया अब सिलीगुड़ीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईँले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरिसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस् गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोर, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस, क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोर, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। ड्रीमिंग ऑफ विजिटिंग मिरिक? लक्जरी मीट्स सेरेनिटी, अ परफेक्ट ब्लेंड इन मिरिक्स माउंट क्वीन। जॉय हैज नो एंड, जस्ट अ 1.5 आवर ड्राइव फ्रॉम सिलीगुड़ी, द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन और कॉर्पोरेट इवेंट्स।
Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel. Featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। तीस्ता नदी फिर से उफनाई। कालिंपोंग से पेशोक तक रास्ते में तीस्ता नदी का पानी बह रहा है, जिसके कारण यातायात बंद हो गई है। सोमवार रात हुई भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर एक बार फिर से काफी बढ़ गया है, जिससे कालिंपोंग से पेशोक तक जाने वाली सड़क पर भी नदी का पानी बह रहा है। इसके कारण सड़क का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। उत्तर बंगाल में पिछले कुछ दिनों से बारिश जारी है और सोमवार रात फिर से तेज बारिश हो रही है। इससे कई जगहों पर भूस्खलन शुरू हो गया है। अवैध होर्डिंग और बैनर्स के खिलाफ सिलीगुड़ी नगर निगम ने शुरू की कार्रवाई। सिलीगुड़ी शहर में कई जगहों पर कंपनियों और मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर्स लगाए गए हैं। नगर निगम ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग और नगर निगम द्वारा खोला जा रहा है। चितरंजन फ्लाईओवर के नज़दीक एक बड़ी होर्डिंग को भी खोल दिया गया। नगर निगम ने बताया कि अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर से बारिश शुरू। तीस्ता, जलढाका और दोमोहानी नदियों में अलर्ट जारी। जलपाईगुड़ी जिले में सुबह से बारिश जारी है। NH-31 जलढाका नदी के असंरक्षित क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि तीस्ता के मेखलीगंज और दोमोहानी नदी के संरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल दोपहर से रात तक हुई भारी बारिश के बाद आज सुबह से फिर बादल छाए हुए हैं। जलपाईगुड़ी के सेंट्रल फ्लैट कंट्रोल रूम के अनुसार गाजलडोबा तीस्ता बैरेज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तीस्ता और जलढाका सहित विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सिलीगुड़ी में अगस्त महीने में फ्रेश वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होगा शुरू। डंपिंग ग्राउंड का औचक निरीक्षण के बाद बोले मेयर गौतम देव, अगस्त के महीने में फ्रेश वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की शुरुआत होगी। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने आज सुबह डंपिंग ग्राउंड के औचक निरीक्षण के बाद यह घोषणा की। डंपिंग ग्राउंड में फ्रेश वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का काम पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन कार्य की धीमी गति के कारण अभी तक यूनिट का काम शुरू नहीं हो सका। अब मेयर गौतम देव ने उत्साह दिखाते हुए काम जल्द पूरा करने की बात कही और अगस्त से काम शुरू होने की बात कही। फ्रेश वेस्ट मैनेजमेंट टोटल बेपार सरप्राइज भिजिट कर लम पुरो टीम नहीं एट मनीटर करजटा वो एक डिले हो बसि मैनेज करार कथा से सत दस दिन टाइम नहींपेक्टिंग दिस मान्थ फार्स्ट जून थे हार कथा छो देखी आशा करी आगस्ट फार्ष्ट उट ठीक हाँ सुरक्षा अनेक किस बेपारे সিসি ক্যামেরা আছে, লক গেট করছি। আমাদের লিগেসি ওয়েস্টে কর্পোরেশনের মাল ছাড়া অন্য মাল যাতে না যায়, পুলিশিং সিকিউরিটি পার্সোনাল সব কিছু আমরা করছি, কারণ এই জায়গাটাকে ক্লিয়ার করব আমরা। পরে এখানে অন্য প্রজেক্ট হবে, আর এখানে 5 একর জায়গা দেওয়া হয়েছে, যেটা ওরা এখন 170 MT ওরা ডেইলি ম্যানেজ করছে, এটা 350 MT হবে। আগামী কবে हॉकरों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, व्यवसाय की अनुमति मांगी। कुछ बिहार में हॉकरों को हटाने के सरकारी आदेश के विरोध में सारा बंगाल तृणमूल जर्नल हॉकर एसोसिएशन ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। हॉकरों का कहना है कि वे फुटपाथ पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि सड़क पर कारोबार करने की अनुमति मांग रहे हैं। बेदखल के कारण वे अपने परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से फुटपाथ पर व्यवसाय करने की अनुमति की अपील कर रहे हैं। আমরা কোচবিহার শহরের বিভিন্ন হকার্সকে একত্র হয়েছি। মাননীয় মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ সারা রাজ্য জুড়ে এবং তৎসঙ্গে আমাদের কোচবিহার জেলা শহর জুড়ে কোচবিহার শহর সহ কোচবিহার শহরে যত পৌরসভা এলাকা আছে শহরতলিগুলোতে একটা হকার্স এবং ফুটপাতে যারা ব্যবসা করেছিল, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ যে তাদেরকে অবিলম্বে সেখান ফুটপাথ থেকে হকার্সদের তাদেরকে সরানো হোক। তো আমরা মাননীয় মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার আদেশের বিরুদ্ধ নই। হ্যাঁ, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে যথেষ্ট সম্মান করি। উনি রাজ্যের সমস্ত জায়গায় যারা সব ভালো দেখশন করেন, ওনাকে আমরা
ওনার প্রতি বিরুদ্ধে নই, কিন্তু আমরা আজকে এই সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সদর মহকুমা শাসক দপ্তরের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে এই স্মারকলিপি এই বার্তাটা পৌঁছতে চাই যে দিদি আমরা বাঁচতে চাই, দিদি আমরা শহরে যারা হকার্স, আমরা ফুটপাথ দখল, আমরা জায়গা দখল। फांसीदेवा में अवैध बालू पत्थर लदा ट्रैक्टर जब्त, एक गिरफ्तार। फांसीदेवा में विधान नगर जांच केंद्र की पुलिस ने चेंगा नदी से अवैध रूप से बालू और पत्थर ले जाते समय प्रमोद लकड़ा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ ही आरोपी से वैध कागजात मांगे जो नहीं दिखा पाए। आरोपी का इरादा उत्तर दिनाजपुर जिले में तस्करी करने का था। पुलिस अन्य स्वाभाविक शामिल लोगों की जांच कर रही है। आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। एटीएम चोरी गिरोह में 3 सदस्य गिरफ्तार, आग्नेयास्त्र सहित अन्य हथियार बरामद। सिलीगुड़ी पधानगर थाने के पुलिस ने एटीएम से पैसे चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारों में मायाबदीन शेख, मिर्जानूर मियाँ और बिरजू साहनी शामिल है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुकना के सालवाड़ी इलाके में छापेमारी की और यहां से ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों आरोपियों से पुलिस ने आग्नेयास्त्र और चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। आज इन आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। तीस्ता कैनल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। आज सुबह फुलबाड़ी नवापाड़ा इलाके में लोगों ने तीस्ता कैनल में एक तैरता हुआ शव देखा। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर एनजेपी पुलिस और आमबाड़ी चौकी की पुलिस ने शव निकालने की प्रयास में फायर ब्रिगेड को बुलाया। अग्निशमन विभाग ने सफलतापूर्वक शव को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। शव को बरामद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो देखा हम, बस वही निकाल रहे हैं वो लोग। जींस का है, अभी तो देख रहा है लोग सब। है दमकल आया, बॉडी उठाएगा। ये आपका जगह का नवा पड़ा, धर्मेंद्र तिवारी। विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी में बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने के लिए कमिश्नर को अनुरोध पत्र सौंपा। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी नगर निगम की कमिश्नर को सिलीगुड़ी में ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए बहुमंजिला पार्किंग स्थल के लिए अपने विधायक कोष से आर्थिक मदद संबंधित अनुरोध पत्र सौंपा है। স্বার্থে সেখানে কোনো রাজনীতি নেই। এইখানেও যে আমি আজকে চিঠি দিতে এসেছিলাম, এই চিঠিতে আমি মেয়র সাহেবকেই অ্যাড্রেস করেছি, ক্রু কমিশনার ম্যামকে করেছি। তার কারণ আমি মেয়র সাহেবের কাছে এই চিঠিটা তুলে দিয়ে আন্তরিকভাবে, যেহেতু আমরা কলেজ জীবন থেকে ওনাকে চিনি, আমাদের শহরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসাবে, বলে মেয়র সাহেবের কাছে আমি আবেদন করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, আমি কোনো খেদ বা দুঃখ প্রকাশ করছি না, যে ওনার সাথে দেখা করার মতন যোগ্যতা বা সৌভাগ্য আমার অর্জন হয়নি এখন পর্যন্ত। কিন্তু আমি এইটুকু আশা করব যে মেয়র সাহেব নিশ্চিতভাবে যাই করুন না কেন, যদি করেন তাহলে আমি খুব খুশি হব, যদি না করেন সেটা আমাকে জানিয়ে দিলে আমি পরবর্তীকালে এবারের বিধানসভার অধিবেশনে আমি বিষয়টি রাখব। সহযোগিতা পেলেও রাখব, বা অক্ষমতা থাকলেও সেই অক্ষমতা কেন, যেখানে শহরের বিধায়ক শহরের কর্পোরেশনকে টাকা তুলে দিতে চাচ্ছে সেখানে কেন অক্ষমতা, সেটাও আমি মাননীয় ফিরহাদ হাকিম সাহেব, তার পৌরমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়টি জানতে চাই। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया मा 1 करोड़ केवल 6 रुपया मा किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया का। 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।